क्या चल रहा है तुम तीनों का? देखो इसमें मैंगो का फ्लावर आया है। मैंगो का फ्लावर आ गया है? आ गया है तेरा मैंगो। दोनों गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। हाँ अभी प्रेजेंट डाल स्कूल है जिन्होंने प्रेजेंट पकड़ा तो गुड आफ्टरनून। हाँ कौन था मैंगो को चल लगी कौन गोटा अलग फ्लावर पड़े। हाँ मुझे मुझे और ये और कुछ आया है बाबू ना? मैंगो आया है मैंगो का? नहीं नहीं तुलसी का शायद। नहीं तुलसी नहीं मैंगो इधर रखा। मैंगो एक डाली थी तीन मैंगो ट्री आ गया। ओके ठीक है। दो रखा था दो रखा था। अच्छा दो रखा था तीन हो गया। अरे वेरी गुड वेरी गुड। अब ये दोनों का देखो कैसा बात चल रहा है। तुझे प्लान देखना है। गिर जाओगे दोनों फुटबॉल के तरह दोनों का साइज। अनु मिस कर लेगी नहीं तो जल्दी आ। फुटबॉल के दोनों बेटे गिरेगी तो दोनों सही बात। दोनों गिरोगे तो एक रूप है दोनों का आ जा आ जा धीरे धीरे धीरे। ऊपर नहीं जा रहा। तेरा क्लास खत्म हो गया बाबू? बाबरे पूरा ये बाढ़ बना के छोड़ दिए। इतना पानी डाले पूरा एक बकेट पानी। चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे गिरे गिरे सारुक तोड़ गोले पड़ी धीरे 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 स्लो स्लो स्लो। हाय राम क्यों इन दोनों को लेकर आए तुम? हाँ ये अपना पाए इनको कोई लेके आता है डर लग रहा है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून। बाबू आकर नहाकर वहाँ पे बैठा है। आज इतना मौसम अच्छा हुआ है ना दिखाती हूँ। ये देखिए हेलो करो बाबू। ऑलरेडी गुड आफ्टरनून तो बोल दिया और एक बार बोल दो बाबू। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बारिश बारिश थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। इतना अच्छा क्लाइमेट हो गया ना। वहाँ कोई उधर चढ़ रहा है बच्चा। कौन? हाँ चलने दो। वाह बहुत ही कूल क्लाइमेट है। और हबीब भी नहा चुके हैं उनके लिए मैं खाना लगा दी हूँ और वो आएंगे खाना खाने के लिए। त्रिशा की हो रही है स्कूल होने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। और ये रहा हबी का खाना। आज का हमारा लंच सिंपल लंच दाल चावल करेला आलू फ्राई और मैंगो। त्रिशा की लास्ट क्लास हो रही है उसका क्लास अभी खत्म हो जाएगा 5 मिनट के बाद। फिर हम माँ बेटी खाना खाएंगे। अभी हबी को भी बोल देती हूँ खाना खाने के लिए। और बाबू ऑलरेडी खाना खा चुका है। हाय गुड आफ्टरनून। ऑलरेडी बाहर से खाना हाँ खाना वाले लगा दी हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ लगा दिया ऑलरेडी। आ जाओ बाहर से अभी काम करके आए ना इसलिए भूख लग गया उनको। सारे पॉट्स को इधर उधर कर रहे थे और बाबू का मैंगो ट्री। बारिश हुआ? हाँ बारिश हुआ। बाहर कुछ कपड़ा सूख रहा है। मैं देख रही हूँ तुम जाओ खाना खा लो। सारे मार्क्स सूख गए अभी जल्दी आओ ना सारे मार्क्स को निकालना है। अरे गिर गया रे गिर गया रे। सारे मार्क्स सुखाया था मैं। निकालो निकालो जल्दी जल्दी निकालो। दे दो दे दो दे दो। सारे धोकर मास्क को सुखाई थी मैं। सारे कलर के हाँ सारे कलर के। जाओ खा लो खाना। वाह भूख लग गया। आम आम करेला आलू फ्राई दाल दाल को लहसुन का तड़का लगाई हूँ। लहसुन और करी पत्ता 5 फोड़न का। ओह बारिश हुआ अच्छे से बारिश हुआ। अरे ये मिली मामू आ गया। ईशु आजा 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 चलो खाना खा लेते। अरे क्लास खत्म हुआ। आजा मामा आजा। दीदी मेरा ड्रेस टी शर्ट बाबू का ड्रेस टी शर्ट पहन लिया है। ठीक है चल हम भी माँ बेटी खाना खा लेते। एक मैंगो लेना है एक मैंगो लेना है। कौन सा मैंगो लू? इतना पची है इसे भल लगे थोड़ा पची थी। एडी पची छुरा हां ओ इडा मजीरा। ओके वाह वाह वाह
और तुम दबी रही मैंगो काट के शा गई ले मासा टांग खाइबू टांगड़ा खाइबू मुँह गोटे खाई तू टांग खाई दे अचार खाऊ पर ये रहा नया अचार लेमन अचार लेमन लेमन वाल मुँह खटा हो गया मामूर डाटे देखी बोलो खाऊ झील ये रहा अचार ये चमच सांगा दी दूसरे झील अच्छा सोब आस जिंदा को सौरूप चल उतर चल दोनों सो जाओ जल्दी धीरे 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 देख कैसे हो रहे दोनों ओ फिर मारा मारी जाओ 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 चलो जल्द सो जाओ उठना है हाँ काइट काइट हो गया ओके देख रख लेते हाँ हाँ ठीक है रात को बनाएंगे हाँ चाउमीन ये देखिए कल त्रिशा का जो बनाई थी प्रोजेक्ट हिंदी प्रोजेक्ट बड़े भाई साहब काइट उड़ा के हमारे घर में छोड़ के चले गए नहीं उड़ाते थे वो पढ़ते थे अच्छा चलो सो जाओ तुम लोग चलो बाबू ठीक से सोना चलो सो जाओ तो वो दोनों सो रहे और मैं इधर आ गई एडिटिंग करने के लिए मैं कितना ज़बरदस्त बारिश आ रहा है थोड़ा सा ग्लास बंद कर लेते यस यहाँ पे छिट्टे भी आ रहे हैं यस पर मस्त बारिश है तो अभी बैठ गई हूँ मैं काम करने के लिए और हबीब जी सो जाएंगे और मैं थोड़ी देर के बाद मैं भी सो जाऊँगी ऐसे आधा घंटा या 45 मिनट्स एडिटिंग करूँगी अभी टाइम हो रहा है 2:34 ये देखिए टाइम हो रहा है 2:34 तो अब 3 बजे तक मैं सो जाऊंगी आधा घंटा तो काम करूंगी आज एडिटिंग ही नहीं की अभी घर पे है तो अभी घर पे मैं रहता हूं तुम्हारा सब काम पर हां सब काम मी टाइम वी टाइम बोलो मी टाइम का वी टाइम एडिटिंग नहीं हुआ था अभी एडिटिंग करूंगी अभी थोड़ा करूंगी फिर रात को बैठ के थोड़ा करूंगी और कल चला जाएगा ब्लॉग कल जाएगा परसों जाएगा जैसे कल का ब्लॉग जो हुआ है जैसे आज एडिटिंग कर रही हूं वो जाएगा कल और आज का ब्लॉग जाएगा परसों और संडे को वैसे तो छुट्टी है इंटेलिजेंट हूं ना हां बहुत इंटेलिजेंट और संडे को तो वैसे भी छुट्टी है संडे को तो भी वीक वेज ही खाना है फिर ट्यूसडे को जाके कुछ नॉन वेज खाऊंगी मेरा मुंह में ना एकदम छाला पड़ गया है बिल्कुल अभी कुछ खाने का मन ही नहीं होता बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता क्या बना रात को क्या बना मुझे अभी से टेंशन हो रहा है रात को क्या बनाया नूडल्स बनाए खा लेते चाउमीन आज नूडल्स हाँ चाउमीन बना लेते हैं कल लेकर आए ना चाउमीन वो चाउमीन आज बनाऊंगी कैबेज कैबेज कैरेट कैप्सिकम सब डाल के सब डाल के मस्त चाउमीन बनाएंगे और खाएंगे और राइस खाने का बिल्कुल मन नहीं करा है रोटी सब्जी सब पक गई हूँ मैं खा के इतना दिन है रहा कैसे ट्यूसडे होगा मैं कुछ नॉनवेज खाऊंगी तो चलिए फिर उठकर हम लोग बात करते आप लोगों के साथ अब हम लोग भी रेस्ट कर लेंगे मैं थोड़ा एडिटिंग करके रेस्ट करूँगी फिर डायरेक्ट शाम को मिलते आप लोगों के साथ बाबू और हबीब कभी भी ना बेड में एक घूमते ही हुए थे सच में ये भी बच्चों की तरह घूमते रहेंगे बेड में रात को देखेंगे तो यहाँ सोएंगे सुबह उठेंगे तो वहाँ पे सर यहाँ पे पैर सीधा नहीं सोएंगे अभी ऐसे ही सीधा इतने भी हबी बेड की हेड के तरफ सोए ना वो पता नहीं कैसे ऐसे आ जाते हैं हमेशा आपको इधर मिलेंगे कभी उधर मिलेंगे इतने नींद में है ना कराटे ले रहे और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इधर बैठ के उनको अब उठेंगे उठाओ तभी उठेंगे अभी टाइम हो रहा है 6:10 मैं थोड़ी देर पहले ही उठी और बाबू उठ गया है सब उठ गए बाबू उठ कर सोफे के ऊपर बैठ के मोबाइल देख रहा है गेम खेल रहा है इनको तो उठाना पड़ेगा जब तक ना उठाना ये जब बिल्कुल नहीं उठे बुडू बुडू
ଆଉ ଶୋଇବ କି ଆଉ ଉଠିବ ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଉଠି ପଡ଼ିବ तो इनको सोने देते और चलते हैं किचन में। लंच का बर्तन अभी तक पड़ा है, वास में की थी मैं, ये बर्तन पड़ा है, ये बर्तन करूँगी। उसके बाद बच्चों को दूध दे देती हूँ और चाउमीन बनाऊँगी। तो चाउमीन के लिए बहुत सारे वेजिटेबल कट होगा, वेजिटेबल कट करूँगी। और वाक तो नहीं हो रहा है, कल भी नहीं हुआ था, आज भी नहीं होगा, क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और ऊपर ना पूरा गीला गीला होगा। ये दोनों उठ गए, चलिए शुरू करते हैं बर्तन क्लीन। इनके बात सुन के ना मैं उस टाइम नहीं की ना, अभी ना थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है ना, बर्तन करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। सार तो बोले आ जाओ ना बात करते, क्या बर्तन क्लीन करना, बाद में भी तुम कर सकते हो। तो मैं भी हाँ चलो चलो करके चली गई। अभी मैं उनको बुलाऊंगी ना, आ जाओ ना बर्तन क्लीन करते, क्यों ऐसे सोते रहते हो, तो बिल्कुल नहीं उठेंगे। ट्राई करते हैं, चलिए देखिए यार क्या होता है। तो लाइव रिएक्शन का आपको दिखाऊंगी कि वो मेरी बात सुनते रहने, मैं तो उनके चिपड़ी चिपड़ी बात में आ गई, चिपड़ा चिपड़ी बात में ना आ गई, पर वो आते है कि नहीं देखते। चलिए लाइट ऑन किया। गुड्डू आ जाओ ना बर्तन क्लीन करते, अभी क्या सोना, आ जाओ ना। तुम्हारी बात सुनकर मैं वो उस टाइम नहीं की ना, सुबह सुबह अभी का बर्तन सुबह करके फिर रात का बर्तन कब होगा, आ जाओ ना। रात को कौन खा रहा है, मतलब सब खा रहे। अभी जब बाबू बोल दिया चाउमीन बनाना है, इतना सारे वेजिटेबल चॉपिंग करोगे, आ जाओ चॉपिंग कर लो वेजिटेबल। हाँ बर्तन खाना खाने के बाद क्या, पांच छह बार खाना खाने के बाद एक बार बर्तन करना है। बर्तन के बारी जब आता है ना तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, आ जाओ ना, क्या सोना, छोकर जिंदगी में क्या करना है, आ जाओ काम कर। सोते रह जाओगे आ जाओ काम करना है। सिक्स टेन हो गया, अभी नहीं, अभी इतनी संध्या टाइम सोया नहीं, ऐसा संध्या टाइम सोया नहीं, ऐसा संध्या टाइम सोना इतना। चलो मैं वादा करता हूँ, तुम जब तक किचन में रहोगे मैं पीछे पीछे पहुँचा। चली गई बर्तन करके, अभी बर्तन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही। आधा किचन क्लीनिंग हो गया है, बर्तन क्लीनिंग, और हाँ। महाराजा अभी आ रहे हैं। छोड़ो मैं कुछ कर लेता हूँ। क्या कर लोगे, जाओ वेजिटेबल सारे कट करो। अच्छा ठीक है, फ्रीज से निकालो। गुड इवनिंग पूरा हाँ अलार्म की तरह बोलते हो ना, गुड इवनिंग। क्या होगा, पानी पीना है ना, क्या करना है, चप्पिंग बोल। अच्छा वो ऊपर से रुक, मैं चप्पल लेकर आती हूँ। अभी अन्नू आई है और ऊपर जाएंगे, कौन सा ऊपर, छत के ऊपर। तो बारिश हो रहा है ना, इसलिए सोची कि शायद गीला होगा। आज जो भयंकर बारिश हुआ आज, बाप रे, हमने तो सो गए थे, मस्त सोए आज पूरा। जो मौसम में नींद आना है उसको, अरे ऐसा क्या हो रहा है, मेरा कौन पैर खींच रहा है, दो बार चप्पल मेरा वो बोल रहा है कि आज मत दवा करने के लिए। ना बर्तन करते, बर्तन सब खत्म होने तब उठे कि हाँ, बहुत होशियार, देखो बहुत होशियार। हम भी इनके क्या बोलते, चिपड़े चिकनी चुपड़ी, हाँ चिकनी चुपड़े चुपड़े नहीं चिकने चुपड़े बात में आ गई। देखो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर आके, एकदम ए गीला ज्यादा नहीं है।
अब मैं वेजिटेबल चॉपिंग कर रही हूँ और हबी मेरे लिए बना रहे चाय। ये आप भी पीजिए गरम गरम चाय, मेरे हबी का बना हुआ चाय, हबी का हाथ का बना हुआ चाय। तो बनाते हैं वेजिटेबल नूडल्स या चौमिन भी बोल सकते हैं इसको। पैकेट से निकल के पानी के अंदर डालेंगे गरम पानी में। तो अभी 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। पानी को ड्रेन करने के बाद डालेंगे हम ऑयल नूडल्स में। ऑयल डाल देगा ना तो नूडल्स आपस में चिपकेगा नहीं, और गर्म पानी को जब ड्रेन करेंगे ना तुरंत ठंडा पानी भी डाल देंगे ये नूडल्स के अंदर। ये बड़ा सा कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद डालेंगे तेल, तेल गर्म होने के बाद डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है। अब मैं डालूंगी ये जो कैबेज और कैरेट को। अब नमक डाल दूंगी। अब वेजिटेबल को फ्राई करेंगे, पर ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वेजिटेबल का क्रंचीनेस रहना है, नहीं तो नूडल्स में अच्छा नहीं लगेगा। 3-4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी बस, और हाई फ्लेम में ही फ्राई करूंगी। हो गया है वेजिटेबल फ्राई करना, अब निकाल दूंगी मैं प्लेट में। अब कढ़ाई में डालेंगे तेल, फ्लेम को हाई रखेंगे नूडल्स बनाते टाइम। तेल गर्म हो गया है, अब हम ये फ्राई किया हुआ वेजिटेबल आधा डालेंगे। आधा आधा करके 2 बार बनाऊंगी। अब ये बॉईल किया नूडल्स भी डाल देंगे। अब इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम में। अब डालेंगे इसमें नमक और 1 स्पून विनेगर डालूंगी, अब चिली सॉस। आप करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब ये नूडल्स मसाला डालेंगे, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो नूडल्स मसाला। अब इसमें धनिया पत्ता थोड़ा डाल दूंगी बस, इसको मिक्स करके अभी हो गया, निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा वेज नूडल्स, आप जरूर बनाइए वेज नूडल्स और ब्रेकफास्ट में खाइए, नहीं तो डिनर में खाइए, लंच में खाइए, जब भी मन होता है आप खाइए। और हम लोग भी अभी डिनर करेंगे, और मैं और एक बार बनाना है मुझे ये नूडल्स। 2 बार में मैं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी का है ना, तो 1 बार में नहीं होगा तो स्टिकी स्टिकी हो जाएगा, इसलिए 2 बार बनाऊंगी। ये 1 बार हो गया है और दोबारा बनाऊंगी, और बाबू तिशा का पढ़ाई चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।